पशुपालन निदेशालय में तकरीबन 589 डाटा एंट्री ऑपरेटरों को पिछले 6 महीने से भुगतान नहीं हुआ है, जिस वजह से उनके सामने आर्थिक तंगी उत्पन्न हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। मैं HS यादव। मुख्यमंत्री जी एवं पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी जी आपके कर्मी भुखमरी के कगार पर हैं। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्यरत 589 डाटा एंट्री ऑपरेटर को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। इनको किराना दुकानदार उधार देना बंद कर दिया है। मकान मालिक घर खाली करवाने को अल्टीमेटम दे रहे हैं। फीस जमा नहीं करने की वजह से स्कूल से बच्चे को निकालने की धमकी स्कूल प्रशासन की ओर से मिल रही है। इतना घोर लापरवाही कर्मियों के साथ क्यों हो रही है? यदि इनकी वेतन भुगतान नहीं किया गया तो ये लोग काम ठप करने की भी चेतावनी दे सकते हैं। बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के महासचिव विशाल कुमार का कहना है कि जल्द से जल्द वेतन भुगतान किया जाए, नहीं तो डाटा एंट्री ऑपरेटर कर्मी भी काम ठप कर सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए कुछ कर्मी खून पसीना बहाकर मेहनत का पैसा मुख्यमंत्री व मंत्री जी आपसे मांग कर रहे हैं, तो उसका जवाब देना भी मुनासिब आप नहीं समझ रहे हैं। मुकेश लिखा है कि हम लोगों को आपसे बहुत आशा थी, लेकिन लगता है कि निराशा मिलेगी। मुख्यमंत्री जी, हम लोगों को वेतन नहीं मिलने से परिवार चलाने की स्थिति दयनीय हो गया है। वहीं संतोष लिखे हैं, सैलरी नहीं मिलने से भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। सागर लिखे हैं, विगत 6 माह से वेतन नहीं मिलने से भुखमरी के कगार पर है। वहीं ऋषि भी इसी चीज़ को दोहराया है कि वेतन नहीं मिलने से भुखमरी के कगार पर है। बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के महासचिव विशाल कुमार ने कर्मियों के दर्द को बयां कर रहे हैं। सुनिए इनकी बातें। बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अंतर्गत पशुपालन निदेशालय में तकरीबन 589 डाटा एंट्री ऑपरेटरों को पिछले 6 महीने से भुगतान नहीं हुआ है, जिस वजह से उनके सामने आर्थिक तंगी उत्पन्न हो गई है। मैं संघ की ओर से माननीय विभागीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द उनके मानदेय का भुगतान किया जाए, ताकि उनकी आर्थिक तंगी से उनको निजात दिया जा सके।